बसपा सरकार में वर्ष 2008 में तथा क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे आजम खान की कार को पुलिस ने रोक लिया था। इससे नाराज होकर आजम खान अपने साथियों के साथ सड़क पर बैठ गए थे। तत्कालीन इंस्पेक्टर ने आजम खान समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। आज इस मामले में आरोपियों को अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने थे, मगर इस मामले के आरोपी हाजी इकराम दिल की बीमारी के चलते अदालत में पेश नहीं हो सके। इसलिए अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। वर्ष 2008 में रामपुर के सपा सांसद आजम खान एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छजलेट जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनकी गाड़ी के शीशे पर लगी काली फिल्म को उतारने का प्रयास करने लगी। इसके विरोध में आजम खान सड़क पर बैठ गए। सूचना पाकर सपा के नेता भी मौके पर पहुंच गए थे और रास्ता जाम कर दिया था। इस मामले में छजलेट थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर की ओर से आजम खान व अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। आज आजम खान अपने बेटे अब्दुल आजम के साथ अदालत में पेश हुए, मगर इस मामले के आरोपी हाजी इकराम कुरैशी दिल की बीमारी के चलते अदालत में पेश नहीं हो सके। इसलिए अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। ये सन 2008 का मामला है, 147, 341 और 353 का, और 2008 से चल रहा है यहाँ पर, और आज उसी की तारीख है, उसी में वो है। एलिगेशन ये है कि इनके कार को रोक के चेक करा, जिसकी बिना पर ये नाराज़ हुए, और नाराज़ हो गए इन्होंने वहाँ, इनकी वजह से वहाँ पर मजमा लग गया, सफाई जमा हो गए और जाम लग गया, मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसमें 9 लोग हैं, नहीं कुछ आए, नहीं भी आए थे। आजम खान साहब के लिए 28, आजम खान साहब और दीगर मुलजिमान के लिए सबके लिए 28 डेट लग गई इसी महीने की। अगली एप्लीकेशन भी मूव हुई है कि जिनका वाहन से जिरह नहीं हो सकी थी, उनका वाहन से जिरह करने के लिए मौका दोबारा से उन्हें तलब किया जाए और उनसे जिरह की जाए का मौका दिया जाए। 28 जुलाई, नहीं, मुलजिम हाजिर है और ऐसा मुलजिम है जो बकरी का डकैत है, मुर्गी का डकैत है, भैंस का डकैत है, किताबों का डकैत है, फर्नीचर का डकैत है, और ऐसा डकैत है जिसने मंत्री रहते हुए, चौथी बार मंत्री, नवीं बार एमएलए, अब 10वीं बार एमएलए, 2 बार का एमपी, लीडर अपोजिशन, बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 बार की, एक बार राज्यसभा और एक बार विधानसभा की सदस्य, मेरा बेटा जो गलगोटिया से एमटेक पास, दूसरी बार का एमएलए, लेकिन हमने सबने मिलकर मिनिस्टर रहते हुए शराब की दुकान लूटी, डाका मारा और 16,900 रुपए गले से लूट कर ले गए। शराब की बोतल देखिए, और शराब की बोतलें देखिए, इस तरह हमारी व्यवस्था का, हमारे राजनेताओं का स्तर देखिए, विचारों का स्तर देखिए। पहले नंबर का माफिया, यूनिवर्सिटी का फाउंडर, बच्चों के सीबीएसई बोर्ड के 4 स्कूल चलाने वाला फाउंडर, माफिया नंबर 1 देश का। जिस गृह मंत्रालय को ये मालूम है कि मैं माफिया नंबर 1 हूँ, देश की सरहदों की रखवाली कैसे करेंगे? क्या है इंटेलिजेंस? कहाँ इंटेलिजेंस सर? मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए देश के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड। अरे भाई, कारण बकरी डकैत हूँ, मामूली कारण है, यूनिवर्सिटी का फाउंडर हूँ, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? यह है गुनाह मेरा कि मैं कलम देना हाथ में चाहता हूँ? आप पेंचकस देना चाहते हैं, गाड़ियाँ सही करें, पंक्चर ठीक करें। अंधा हूँ, दिखता ही नहीं, बहरा हूँ, सुनाई नहीं देता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, लिहाजा एक अंधे को, एक गूंगे को, एक बहरे को क्या राजनीति दिखाई देगी? अरे छोड़, उससे पहले वो तो कह लें, बाद में हम कहेंगे। जितना उन्होंने कहा है वो क्या कम है? मजहबी दिलाजारी की ये रिवायत क्या सही है? क्या यही धर्म और मजहबों का संदेश है? क्या यही संस्कार हैं और उस पर फख्र है लोगों को?
इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि दूसरों की सफ़ों में खड़े होकर अपने मजहब को बदनाम किया जाए। ये साबित हो गया कि वो बीजेपी और आरएसएस का आदमी था, और कैसे साबित होगा। अब आप अगर इस सच को छुपाना चाहें तो ज़ाहिर है मीडिया का आप पूरा हक अदा करते हैं। अमां हमने ना लूलू देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लूलू लोलो टूलू टोलो।